लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑन द नोटिफिकेशन आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हम इंडिया की नंबर वन कंपनी फ्यूचर मेकर से जुड़े हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम फ्यूचर मेकर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि फ्यूचर मेकर के बारे में कुछ काफ़ी अफवाहें उठती है चारों तरफ और कुछ काफ़ी मेरे को कमेंट भी मिली है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा डूब गया है, हमारी कंपनी नहीं चलेगी, या हमारे राधेश्याम जी ऐसे हैं ऐसे हैं, उनके बारे में कुछ गलत जो है कमेंट देखने को मिलती है। और कुछ लोग मेरे से डिमांड करते हैं कि मम्मी फिर पैसा चाहिए, हमारा पैसा दो। दोस्तों मैं एक बात कहते हुए आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारा पैसा डेफिनेटली मिलेगा और हमारी कंपनी डेफिनेटली चलेगी। लेकिन दोस्तों टाइम के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये दिन कब आएगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, मैंने सर्वे एनालिसिस किया है, कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो निकाली है कि फ्यूचर मेकर तो बंद होनी थी। कुछ लोगों ने फ्यूचर मेकर को काफ़ी बदनाम किया है। दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि फ्यूचर मेकर कंपनी नहीं चलेगी। दोस्तों जब तक कोर्ट के अंदर केस है तब तक ये नहीं कह जा सकता कि फ्यूचर मेकर कंपनी बैन हो गई है या फ्यूचर मेकर कंपनी बंद हो गई है। दोस्तों केस का निर्णय नहीं आया है, केस चल रहा है और केस हमारे पक्ष में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक केस चल रहा है तब तक कंपनी जरूर चलेगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लो कि राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर के बनने के बारे में केस चल रहा है, तो क्या लोगों ने ये सोच लिया कि राम मंदिर नहीं बनेगा? क्या लोगों ने ये मान लिया कि राम मंदिर नहीं बनाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी 100% इंडिया की जनता ये मान रही कि राम मंदिर बनेगा और ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों हम क्यों नहीं मान सकते हमारी कंपनी चलेगी और ज़रूर चलेगी, हम ऐसा क्यों नहीं मान सकते? जब तक केस है तब तक हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीद को कोई नहीं तोड़ सकता है। कुछ शरारती तत्व दिन प्रतिदिन आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राधेश्याम जी जैसा इंसान जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, किसी कंपनी का MD जो राधेश्याम जैसी सक्सेस अपने दिमाग दिलों के अंदर नहीं रखते हैं। और आपको बता दूं कि दोस्तों राधेश्याम जी ऐसे परिवार से ऊंचे उठे हैं कि उन्होंने हर किसी गरीब का दर्द देखा है, हर बेरोजगारी का आलम देखा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों मान लो दुश्मनों की बातें मान लो, अगर आप दुश्मनों की बातें मान के FIR भी करते हैं, अगर आप दुश्मनों की बातें मानकर कुछ ऐसा करते हैं, तो दोस्तों क्या उससे पैसा मिल जाएगा? क्या उससे कंपनी चल जाएगी? जिन्होंने केस किया है क्या उनको पैसा मिला? जिन्होंने केस किया है क्या उनकी वजह से कंपनी चली? नहीं ना, पीछे भी कई भी कंपनियां बंद हो चुकी है, काफ़ी फर्जी कंपनियों पे ताले लग चुके हैं, उन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों को भी पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों ये बात क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों किसी भी रिपोर्ट से, किसी भी FIR से, किसी भी लीडर को गाली देने से या कुछ करने से पैसा नहीं मिल सकता है। पैसा ओनली मिल सकता है साथ बने रहने से। हमारे CMD राधेश्याम जी के साथ बने रहिए, साथ बढ़ते रहिए, कदम से कदम आगे बढ़ाते चलिए और उनका सहयोग कीजिए हर छोटे से लेकर हर बड़ी कार्रवाई में। तो दोस्तों डेफिनेटली हम अपनी कंपनी को चला पाएंगे। यही हमारे पास एक ऑप्शन है हमारी कंपनी को आगे चलाने के लिए, जो है कंपनी को आगे ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए। और दोस्तों आप लोगों को जो शरारती तत्व है, जो अफवाहें फैलाते हैं, जो तरह तरह की बातें बनाते हैं, जो तरह तरह के कमेंटमेंट करते हैं, जो भला बुरा कहते हैं, उन लोगों को जो आप लोगों को ही जवाब देना है। उन लोगों को जो है हम जवाब दे सकते हैं हमारी एकता से। जैसे कि दोस्तों राधेश्याम जी ने कहा है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे और अच्छे दिन आए हैं, किसके राज में? राधेश्याम जी ने जब से कंपनी खोली है फ्यूचर मेकर, तो राधेश्याम जी के राज में अच्छे दिन आए हैं। राधेश्याम जी ने जो है हर भलाई का कार्य किया है, गरीब कन्याओं की शादी करवाई है, मदर रसोई चलाई है। कुछ लोग थोड़ी देर पहले जो बाढ़ आई थी केरल के अंदर, उन्होंने काफ़ी डोनेशन भी किया है वहाँ पे केरल के अंदर, केरल के लोगों के काफ़ी भलाई के कार्य किए। और दोस्तों अगर राधेश्याम जी गलत होते तो आज हमारे सामने कानूनी प्रक्रिया के अंदर सहयोग नहीं कर रहे होते। टाटा अंबानी जो माल्या है, माल्या भाग गया है, कुछ और लोग भाग गए हैं उनकी तरह, वो भाग चुके थे विदेश में, उनको क्या जरूरत थी कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की? उन्हें क्या जरूरत थी? उन्हें हमारे लिए जरूरत थी, उन्हें हमारे लिए जरूरत थी, उन्हें हमारे लिए जो हमारा सहयोग करना था, हम लोगों के दर्द को वो समझते हैं, इसलिए आज वो कानूनी प्रक्रिया में जो सहयोग दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मानता हूँ कि कुछ मंदबुद्धि के लोग हैं जो हमारी इस बात को नहीं समझते। दोस्तों मेरे को ये बड़ा दुख हो रहा है कि उन लोगों में से कुछ फ्यूचर मेकर के
जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, फीचर मेकर के लोग जो कुछ कल तक दुराधे श्याम जी के साथ थे वो भी कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग ऐसी बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि दोस्तों कंपनी चलेगी तभी हमारा पैसा मिलेगा, और कंपनी दोस्तों डेफिनेटली चलेगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पैसा निकलवाने का। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा पैसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बात आपको कह देता हूँ कि कंपनी चलेगी, पैसा ज़रूर मिलेगा, और कंपनी कब चलेगी इस बात का भी आपको जो है मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग दोस्तों उम्मीद 3 या 4 महीने का टाइम और दीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 1 दिन में 2 दिन में 15 दिन में 20 दिन में, लगभग 3 से 4 महीनों के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों हमने इतना धैर्य रख लिया, इतनी शांति रख ली है पिछले 4-5 महीनों से, तो थोड़ा सा और सहयोग दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मामले होते हैं लगभग इनके अंदर 1 साल तक का टाइम लग जाता है मामलों का सोल्यूशन होने में, रिसोल्यूशन होने में टाइम लग जाता है, टाइम लगता रहता है। लेकिन दोस्तों ये हमारी कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है जो मंद गति से चलती है। ये कानून है जो भारत के अंदर काफ़ी स्लो चल रहा है, राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी स्लो चल रहा है, इसी तरह फ्यूचर मेकर का मुद्दा भी काफ़ी स्लो चल रहा है। लेकिन दोस्तों जो है निर्णय जरूर आएगा, निर्णय जरूर आएगा और हमारे पक्ष में आएगा, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों जैसे कि एडवोकेट साहब जी काफ़ी कह चुके हैं, खोवाल साहब, विश्वर्धन रेड्डी साहब, और कुछ जो है हमारे कंपनी के लीडर है, जो अच्छे लीडर हैं, बुरे लीडरों की बात नहीं कर रहा, जो अच्छे लीडर हैं जो कंपनी के साथ बने हुए हैं, सभी का यही कहना है कि हम दक्ष तो है नहीं कि डेट बता दें कब केस क्लियर होगा, लेकिन सभी की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द 2 या 3 महीनों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सब कुछ आपके सामने होगा, और शोर शराबे के साथ, रोब के साथ हमारी कंपनी मार्केट के अंदर वापसी करेगी, और हम जो है पहले से ज़्यादा अपना बिजनेस मार्केट के अंदर बताएंगे, एक बार से कंपनी तो चल जाए। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मंद प्रवृत्ति के लोभ है, और कुछ लोगों ने तो दोस्तों यहाँ तक की हद कर दी कि फ्यूचर मेकर के नाम से भी कंपनियाँ खोल ली है, फ्यूचर मेकर के प्लान भी कॉपी कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जब हमारे कंपनी के प्लान में दम है, हमारी कंपनी में दम है, इसलिए तो लोग कॉपी कर रहे हैं, ये बात आप कब समझोगे। कुछ लोग फ्यूचर मेकर के प्लान को एग्जैक्ट कॉपी किया है, फ्यूचर मेकर हावड़ा, फ्यूचर मेकर ग्रीन, फ्यूचर मेकर ऐसे ऐसे कंपनी के नाम से खोल कर नई कंपनियां भी खोल ली कुछ लोगों ने, फ्यूचर मेकर का प्लान कॉपी करके जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारे घर की रोटी हमको ही खिलाओगे क्या? दोस्तों आप लोगों को ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, और ऐसे लोगों पे ही हमें केस करना है जो हमारे प्लान को कॉपी कर रहे हैं या सेम टू सेम एग्जिट प्लान कॉपी कर रहे हैं, उनको कॉपी करना है और उन लोगों को जो है एफआईआर करना है, उन लोगों को करारा जवाब देना है, उन लोगों को जो है कंपनी से नहीं जुड़ना है। क्योंकि दोस्तों कुछ करना है तो खुद के दम पे कीजिए, किसी को देख के या किसी को कॉपी करके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमें नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से जो है 100 गज की दूरी बनाई रखनी है। दोस्तों मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई प्लान कॉपी करता है, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वो प्लान हमारे सामने रखता है कि ये लो फ्यूचर मेकर की तरह प्लान, भैया हम तो प्लान ले चुके हैं हमारे फ्यूचर मेकर कंपनी का, फ्यूचर मेकर कंपनी नहीं चलेगी तो कोई कंपनी भी नहीं चलेगी, अगर फ्यूचर मेकर कंपनी चलेगी तो हम फ्यूचर मेकर के साथ बने हुए हैं, इस बात के अंदर कोई शक नहीं किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों मेरा निष्कर्ष यही है कि आप लोगों को जो है ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है जो तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, फ्यूचर मेकर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर मेकर को जो है कुछ तरह तरह की बातें करते हैं, राधे श्याम जी को तरह तरह की बातें कहते हैं। तो हमें सिर्फ ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से दूरियां बनाई रखनी है। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं हमारी कंपनी के बारे में, मेरी इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों काफ़ी देर से वीडियो आने की वजह से सॉरी, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आ रही है, कोई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हो जाता हूँ।
और दोस्तों फिर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, किस चीज़ के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो जरूर जारी करूंगा अगली में। अभी अलविदा लेता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सोशल रिव्यू के साथ में, रिएक्शन के साथ में, रिव्यू के साथ में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।